दिल मेरा ले गो सांवरिया और ओड़े की काली तालियों का साथ देते हुए ऐसे नहीं, एक बात आपको साथ ही साथ बताते चलें, आपके गांव में बहुत भागवत हुई है, कथा हुई है, भगवान की चर्चा हमेशा होती रहती है ना, क्योंकि हम तो पड़ोस के रहने वाले हैं, जानते हैं। और भैया थोड़ी देर के लिए जो मोबाइल बंद कर ले, वैसे तो भगवान का नाम लेते नहीं हो, और जब इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है तो तुम्हारा ये जरूरी है, बैठे रहो शांति से। जहां पर भी भगवान का कीर्तन हो, आजकल किसी के पास समय नहीं है भजन पूजा करने का, किसी के पास भी नहीं, इसलिए यहाँ पर मौका मिला है थोड़ी बहुत देर के लिए, तो इसको गवाओ मत, ठीक है ना। अरे दिल मेरा ले गो सांवरिया ओड़े की काली कांवरिया, ओड़े की काली कांवरिया, ओड़े की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। मैंने अभी बोला कि ताली बजाओगे भगवान के कीर्तन में, बोला था ना, और एक बार बोला था कीर्तन बोलो और ताली बजाओ, लेकिन ना ही तो तुमने कीर्तन बोला और ना ही ताली बजाई। अच्छा एक बात आप लोगों को बताते चले, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ताली बजवा रही है, कीर्तन बुलवा रही है, ये क्यों बुलवा रही है, तो इसका भी कारण है। किसी ने बताया भागवत कथा में कीर्तन में माताएं बहनाएं अक्सर तालियां क्यों बजाया करती हैं? कुछ तो बात सुनो, माताएं बहनाएं कीर्तन में तालियां क्यों बजाया करती हैं, ये बात पता है? आप लोग जब कीर्तन होता है, भागवत कथा होती है, तो आप लोग भी ताली बजाते हो, बजाते हो ना, लेकिन इसका एक कारण है। क्या कारण है? ताली बजाने से हमारे हाथों की रेखाएं जो होती हैं ठीक हो जाती हैं। अब आप लोग ज्योतिषी तो हो नहीं जो पता होगा कि इसमें क्या क्या
हाथ में क्या क्या होता है। अब एक बात बता दी जाए, ज्यादा जानकारी नहीं है हमें, फिर भी बता रहे हैं कि हाथ में एक तो होती है लंबी उम्र की रेखा और एक होती है शादी वाली रेखा। अच्छा पता है, एक होती है लंबी उम्र की रेखा और एक होती है शादी वाली रेखा। अब जब ताली बजाओगे तो तुम्हारी उम्र कम होगी तो ज्यादा हो जाएगी, और शादी नहीं होगी तो शादी वाली रेखा भी बन जाएगी ताली बजाने से। अभी ये जितने भाई सड़क पर खड़े हुए हैं, हाथ जो सड़क पर खड़े हुए हैं, भैया आप ताली नहीं बजा रहे हो, कीर्तन नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये बात अभी नहीं, जब ये उम्र निकल जाएगी ना तब याद आएगी कि हमने बहुत गलत काम किया था। एक बात याद आ गई कि एक भैया जी थे, उन्होंने कभी कीर्तन नहीं बोला, और जब कभी कीर्तन नहीं बोला तो उनकी शादी नहीं हुई, और जब शादी नहीं हुई तो एक दिन अपने मित्र से बोले, कहा सुन भैया कहो तो कुना मालूम कमू जीवन में हमने भगवान को भजन नहीं करो। और आज जितने हमारे संघ के मित्र थे उनकी सबकी शादी हो गई लेकिन हमारी शादी नहीं हुई। जाऊ गांव में 70 रड़ुआ डोल रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना वो हाथ ऊपर करेंगे। कद्दे हो। अब जिन लोगों की शादी नहीं होती है ना उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? समझदार है जो नगला नया के स्कूल में पढ़े हुए हैं। हाँ क्या बोलते हैं? रड़ुआ। तो हाथ ऊपर करो, कौन कौन रड़ुआ है? तुमंगो बाबा रड़ुआ तुमंगो। देखो शादी होएगा ही होए तो मत करियो बेईमानी, मत करियो ना का फायदा। एक भगवान के दरबार में बैठे हो, झूठ मत बोलना, जिनकी शादी नहीं हुई हाथ ऊपर करो। अरे बाबा शादी होएगा ही, डबल मत करियो का फायदा। मतलब हाथ ऊंचा करवा रहे इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा विवाह करवाएंगे हम। हम ये कह रहे हैं कीर्तन बोल लो, इसलिए वो लड़का अपने मित्रों से बोला क्या भैया यार हमारे और सब बहुन बारे और सब के धरों ने हुई गए। फिर भी बोले रड़ुआ कि बस हमारी रड़ुआ पंछी बैठे होंगे ना लला कीर्तन बोल लियो यार हमारे ओ सब बहुन वारे और सब के दराने होए गए। लला पंछी बस हमारी इसलिए कहते हैं कीर्तन बोलो, और जा घर में स्त्री नहीं है वो घर नरक है, नरक है ना। कहते हैं ना कि स्त्री जो होती है ये लक्ष्मी होती है, इसलिए स्त्री की इज्जत करो, और जब शादी हो जाए तो अपनी अपनी पत्नी का ख्याल रखो, ठीक है? इतनी मात लाला पुष्पेंद्र थोड़े हट जाओ, अरे हट जाओ,